नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ये वीडियो में हम 26 अक्टूबर 2017 से लेके 24 जनवरी 2020 तक शनि महाराज जो कि धनु राशि में भ्रमण करने वाले हैं, वो ऐसी कौन सी राशि वाले जातक है जिनको अपनी असीम कृपा से प्रभावित करेंगे, उनको बहुत ही शुभ फल देंगे, उनको सुख समृद्धि देंगे, उनको मालामाल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कौन से है ऐसे जातक या कौन सी राशि या लग्न वाले हैं ऐसे लोग जिनको शनि का धनु राशि में जो भ्रमण होने वाला है वो बहुत ही शुभ फल देगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क लग्न या राशि वाले जातक। शनि जो धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, तो गोचर भ्रमण का जो नियम है कि शनि तृतीय भाव, षष्ठ भाव यानी सिक्स हाउस और ग्यारहवें भाव में से जब जब भी गोचर भ्रमण करते हैं तब वो बहुत ही शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पे शनि जो है कर्क लग्न या राशि वाले जातक जो है उनकी कुंडली में छठे भाव में से भ्रमण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कर्क लग्न वाले जातक है उनको कौन से शुभ फल मिलेंगे। तो ये भ्रमण जो है कर्क लग्न या राशि वाले जातक के लिए बहुत ही शुभ होगा। उनको उनके हर कार्य में विजय होगी, विजय की प्राप्ति होगी, शत्रुओं पे वो विजय प्राप्त कर सकेंगे, अपने रोग और ऋण पे विजय प्राप्त कर सकेंगे। अगर उनकी कोई कोर्ट मैटर्स चल रही है तो उसमें भी कर्क लग्न वाले जातक जो है वो विजय प्राप्त करेंगे। साथ में ही वो अपने कोई किसी भी कार्य में प्रतिस्पर्धी जो होंगे उनको मात करेंगे, उनको उन पे वो रूल करेंगे। उनके जो गुप्त शत्रु है जो उनको अभी तक परेशान कर रहे थे उनकी भी इनके सामने कुछ चलने वाली नहीं है, यानी गुप्त शत्रुओं पे भी ये लोग विजय प्राप्त करेंगे। उनको अपने ननियाल के तरफ से भी बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। शास्त्र में कहा गया है कि उनको अन्न और वस्त्र की प्राप्ति होगी। और एक बात बताना चाहता हूं कि कर्क लग्न जो है उसमें शनि का छठे भाव में भ्रमण, छठा भाव जो है वो ओवरऑल इनकम का भी है, डेली इनकम का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि का छठे भाव में भ्रमण जो है इनको आर्थिक तौर पे भी सहाय करेगा, साथ में शत्रु वृद्धि जो है उसको कम करेगा, शत्रु पे विजय दिलवाएगा। तो शनि जो है हम सब जानते हैं कि काल पुरुष की जो कुंडली की गणना की गई है उसमें शनि कर्म भाव और लाभ भाव का मालिक है। तो शनि जो है वो कर्म फल प्रदाता है। तो कर्क लग्न वाले जो जातक है उनको ये शनि बहुत ही अच्छा फल देगा और उनकी कई परेशानियां दूर करेगा, साथ में ही उनको आर्थिक तौर पे भी सहाय करेगा। अब हम देखते हैं तुला लग्न या राशि वाले जातक। तो इनकी कुंडली में तृतीय भाव में जो शनि का भ्रमण होगा वो बहुत ही शुभ फल देगा। उनको धन लाभ हो सकता है, नौकरी या नौकरी का लाभ हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है, उनके भाई बहनों के साथ के संबंध भी बहुत ही बढ़िया रहेंगे। तृतीय भाव में शनि का भ्रमण जो होगा तुला राशि वाले जातक को वो कार्य सिद्धि दिलाएगा, शुभ कार्य कर सकेंगे वो, और छोटी छोटी जो है ट्रैवल करके भी वो लोग अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तुला राशि या लग्न वाले जातक जो है वो कैलकुलेटिव साहस करके भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। गोचर का ये शनि जो है उनकी कुंडली में भाग्य को लेके भी हेल्प करेगा, भाग्य को लेके उनको जो वो अभी तक प्रयत्न कर रहे थे उसमें सफलता देगा। देखिए, शनि जो है वो दो बातें करता है, एक तो कोई भी चीज को वो मंद कर देता है यानी धीमी कर देता है, और कोई भी फल है उसको कम कर देता है। लेकिन शनि तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव में उनका जो भ्रमण होता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो तुला राशि और लग्न वाले जातक जो है इनकी कुंडली में तृतीय भाव में शनि का, धनु राशि के शनि का भ्रमण उनको बहुत ही अच्छा फल देगा और उनको मालामाल कर सकता है, अच्छे पैसे दे सकता है, सुख समृद्धि दे सकता है। अभी तक वो जितनी भी परेशानियों में से निकले हैं वो परेशानियां जो है वो कम हो जाएगी और उनको एक सुकून मिलेगा। तो धनु राशि का यह शनि तुला राशि या लग्न वाले जातक को भी बहुत ही बढ़िया फल देगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि या लग्न वाले जातक। तो देखिए, धनु राशि
में शनि का जो भ्रमण है ये कुंभ लग्न या राशि वाले जातक को सबसे बढ़िया फल देगा, क्योंकि कुंभ लग्न भी खुद शनि का है और ये 11वें भाव में शनि का जो भ्रमण होगा उनको आर्थिक तौर पे बहुत ही बढ़िया रहेगा। धन की प्राप्ति होगी, धन वर्षा होगी, वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत ही इजी गोइंग उनको सफलता मिलेगी। सर्व प्रकार के लाभ उनको मिलेंगे, सर्व प्रकार के सुख को वो प्राप्त करेंगे। उनके जो बुजुर्ग लोग हैं, मित्र लोग हैं, उनसे भी उनको फायदा होगा। संतान विद्या प्राप्ति में भी ये शनि उनको कुछ न कुछ मदद करेगा। उनको एंसेस्टर प्रॉपर्टी यानी कि वारसागत मिलकत जो है, दादा परदादाओं की मिलकत मिलने के भी यहाँ पे योग बनेंगे, जो उनके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। ये शनि कुंभ लग्न राशि वाले जातक है उनको बहुत ही अच्छा धन लाभ करवाएगा, उनकी इनकम आय जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ाएगा। तो 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक का धनु राशि में जो भ्रमण होगा शनि का, वो कुंभ लग्न या राशि वाले जातक के लिए हर कार्य में सफलता, सुख, शांति, समृद्धि देने वाला होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शनि महाराज ये जो तीन लग्न थे, एक लग्न था कर्क, दूसरा था तुला और कुंभ, ये तीनों लग्न में उनका जो भ्रमण होगा बहुत ही बढ़िया फल देगा। देखिए शनि जो है वो कर्म फल प्रदाता ग्रह है, जो भी आप कर्म करते हैं वो कर्म का फल आपको कब देना है, कितना देना है, वो शनि तय करता है। तो जब भी आपकी कुंडली में शनि का भ्रमण अच्छा रहेगा, आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल तुरंत प्राप्त होगा। आप छोटी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे और आपको ज्यादा फल देगा, ये ताकत शनि जी में है। तो आशा रखता हूं कि ये जो तीन राशियां लग्न वाले जातक है, कर्क, तुला और कुंभ, उनको शनि का ये भ्रमण जो है बहुत ही बढ़िया मदद करेगा और उनको आर्थिक तौर पे समृद्ध करे, मालामाल करे, उनकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा जो है वो पूरी करे। अभी तक के उनके जो भी प्रयत्न वो कर रहे थे उसमें अब उनको सफलता मिलने की संभावना एकदम ये शनि बढ़ा दे। ऐसी ही कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि जो है वो क्या लाभ देगा, कैसे आपको मदद करेगा, या आपके जीवन के कौन से भावों को प्रभावित करेगा, ये जानने के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है दिलावर सिंह वाघेला, कॉन्टेक्ट नंबर है 09712180808, या फिर आप मेल कर सकते हो info@astroalchemist.com। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जिस तरह से शनि राशि परिवर्तन कर रहा है आप सभी को बहुत ही अच्छा फल दे, अशुभ प्रभाव कम करे, ऐसी इच्छा के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।